हेलो दोस्तों, आ गए आप। कैसे हो? आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हैं। आज हमने आपके लिए बनाया है रबर पावर बर्ड। इसमें यहाँ से हम चाबी भरेंगे और फिर इसको जैसे ही थ्रो करेंगे ना, तो ये पंख हिलाता हुआ उड़ेगा हवा में। हमने इसको बनाया कैसे है पहले देख के आओ दोस्तों। सबसे पहले हमको ले लेनी है आइसक्रीम स्टिक। इसको हमें 12 सेंटीमीटर काट लेना है। हम पूरा बर्ड आपको विथ साइज बताएंगे। यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा साइज के साथ। और एक छोटा टुकड़ा भी काट लेना है 3 सेंटीमीटर का, जिस तरह से मैं वीडियो में बता रहा हूँ इसी तरह से आपको काट लेना है। ये 3 सेंटीमीटर का टुकड़ा है और इसको धागा लपेट कर और फिर फेविक्विक से चिपका देना है अच्छे तरह से, ताकि ये निकले ना। और फिर हमारे मैकेनिज्म के लिए हमें रिफिल से 3 पाइप काट लेने हैं और एक टूथपिक ले लेना है। इसको हमें काट लेना है 11 सेंटीमीटर, जो ऊपर की तरफ लगेगा जहाँ हमारे बर्ड के पंख लगेंगे। और जो हमने टुकड़े काटे हैं इनको ऊपर और एक दो टुकड़े ऊपर और एक टुकड़ा नीचे चिपका देना है। इस तरह से एक टुकड़ा नीचे चिपकाना है जहाँ हमारा मेन मैकेनिज्म लगेगा और दो टुकड़े ऊपर चिपकाने हैं जहाँ हमारे पंख लगेंगे। इस तरह से चिपका लेना है और पूरी तरह से धागा लपेट करके और फिर फेविक्विक से फिक्स कर देना, अच्छे से चिपका देना है ताकि ये कभी निकले ना। इस तरह से वीडियो आपको विथ साइज कोई भी वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पंख के लिए हमें ले लेना है 2 टूथपिक ले लेना है। इनकी साइज रहेगी 20 सेंटीमीटर। दोनों तरफ जो हमारे पंख रहेंगे उनकी साइज रहेगी 20-20 सेंटीमीटर। और उनके लिए हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना है, उसकी साइज रहेगी 17 mm का वायर लेना है हमको और उसको इस तरह से मोड़ देना है जिस तरह से मैं वीडियो में बता रहा हूँ। और धागे से धागा लपेट करके और उस पर फेविक्विक डाल के अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि वो निकले ना। और जो ऊपर जो हमने दो पाइप लगाए हैं वहाँ पे इसको फिक्स कर लेना है। यह लगभग हमारे बन चुके हैं बर्ड के पंख। इस तरह से वो पंख हिलाएगी और इसकी टेल बनाना है हमको। टेल की साइज रहेगी दोस्तों, जो टूथपिक है जो लंबे हमने स्टिक ली है इनकी साइज रहेगी 19-19 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच की दूरी रहेगी 11 सेंटीमीटर। जो पीछे की गैप है ना उसकी गैप रहेगी 11 सेंटीमीटर। और आगे हमको इस तरह से वायर लगा के धागा लपेट करके फिर फेविक्विक लगा के अच्छे से फिक्स कर देना है जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो 100% आपका बर्ड फ्लाई करेगा। इस तरह से हमें बर्ड के टेल पर इसको फिक्स कर देना है। बर्ड के पीछे वाले भाग में हमको इस टेल को फिक्स कर देना है धागे की मदद से और एक हुक बना देना है रबर जहाँ हमारा रबर लगेगा। और वायर आपको अच्छे मजबूत वाले लेने हैं। और मेन मैकेनिज्म बनाते हैं हम अब हमारा। इसके लिए एक वायर ले लेना है, जिस तरह से मैं वीडियो में मोड़ रहा हूँ उसी तरह से आपको मोड़ना है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमको सबसे इस पर ध्यान देने वाली बात है। ये अगर सही नहीं बनेगा तो हमारा बर्ड सही से फ्लाई नहीं करेगा। ये मैकेनिज्म अगर आप सही से बना लेते हैं तो आपका बर्ड 100% जिस तरह से मेरा बर्ड फ्लाई कर रहा है उसी तरह से फ्लाई करेगा। देख लीजिए वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना तो वीडियो कर दो लाइक और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये इस तरह से घूमेगा, इसके पीछे हमको एक हुक बनाना है। ये इस तरह से घूमेगा और इसके पीछे एक हुक बनाना है जिसमें हम रबर को फंसाएंगे। और एक ऐसी हमको एक आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है, उसको हम बीच से काट देंगे छोटी आरी की मदद से। आप चाकू से भी काट सकते हैं। इनको हमें 4-4 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े लेने हैं और उनमें छेद कर देने हैं पालपिन की मदद से। ये हमारे मेन मैकेनिज्म का हिस्सा है दोस्तों। ये इस तरह से छेद करके ये देख लेना, इस तरह से छेद करें हमने। पूरे YouTube पर आपको विथ साइज इस बर्ड को कोई भी बनाना नहीं सिखाएगा, कोई साइज नहीं बताएगा। मैं साइज भी बता रहा हूँ आपको। देख लीजिए इस तरह से हमारे पंख फिक्स हो गए और उसके बाद जो हमने नीचे मैकेनिज्म बनाया था वहाँ से जो आइसक्रीम स्टिक हमने काटी है वहाँ से वो ऊपर की तरफ लगाएंगे हम। अच्छे तरह से लगाना है। इस वीडियो को सिर्फ एक जगह शेयर कर दो, या तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो या फिर फेसबुक पर शेयर कर दो प्लीज़ दोस्तों।
और इसके फ्लाइंग का वीडियो हम लास्ट में डालेंगे। बहुत ही शानदार फ्लाई करा इसने, देख लीजिए इस तरह से पंख हिलाएगी ये। ये हमने रबर लगा दिया है नीचे और अच्छे से धागे से पक्का करके, और जो वायर है इनको मोड़ देना है ताकि बाहर ना निकले हमारी स्टिक, और जो हमने पंख लगाए हैं बाहर ना निकले। और रबर ले लेना है आपको 8 से 10 रबर, और इस तरह से आपको पक्का कर देना है। और अब हमें इसके पंख बनाने हैं जो हम पॉलीथीन से बनाएंगे। इस तरह से देखो पंख हिलाएगी, बहुत ही शानदार वीडियो है। इस तरह से हम पॉलीथीन ले लेना है और पॉलीथीन को कटर की मदद से पंख की साइज में काट करके हमें चिपकाना है। चिपकाना कैसे है ये भी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर आपको, अगर आपके पास ग्लू है तो उससे आप चिपका सकते हो स्टिक के ऊपर। हमारे पास ग्लू नहीं था तो हमने सेलो टेप से चिपकाया है। देख लीजिए हमने किस तरह से सेलो टेप से चिपकाया है, आप देख लीजिए। वीडियो में बने रहिए, इसकी फ्लाइंग वीडियो जल्द से जल्द अभी आने वाली है। ये देखिए हमने सेलो टेप से इसको चिपका दिया है, और इस तरह से हमें इसमें चाबी भरना है, एनर्जी स्टोर करना है, उसके बाद हवा में छोड़ देना है। देख लीजिए हमने इसके अंदर एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और जैसे इसको हवा में फेंकेंगे बहुत ही शानदार तरीके से उड़ने वाली है। और वीडियो आपको अच्छी लगे ना तो वीडियो कर दो लाइक, और ऐसे शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेडी, Nope. तो देखा ना दोस्तों कितना शानदार उड़ा हमारा रबर पावर बर्ड। इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, उस मेहनत के लिए एक लाइक, और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।